दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्रनाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। मेरे प्रोग्राम को आप लोग ध्यानपूर्वक देख रहे हैं, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हमारे प्रोग्राम को देखने पर आप लोग मुझको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मेरा मोबाइल नंबर 9425308111 है, एक बार और आप नोट कर लें, 9425308111 है। आज श्रावण पूर्णमासी है और मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छे ग्रहों के बारे में बतला रहा हूँ। आज आप लोगों को गुरु सूर्य बुध के बारे में बतलाता हूँ। गुरु सूर्य बुध ये आपके जीवन को बदलता है, जीवन में परिवर्तन लाता है, चरित्र का निर्माण करता है, उच्च शिक्षा देता है, सामाजिक वैभव बनाए रखता है। इस वीडियो को अवश्य आप लोग देखेंगे। अब मैं आप लोगों को गुरु सूर्य बुध के बारे में बतलाने जा रहा हूँ। जिसके भी कुंडली में सूर्य बुध गुरु होता है, युक्ति होती है, वो व्यक्ति रंग से राजा बनता है, अच्छा सामाजिक प्रतिष्ठा यश प्राप्त करता है। जिस किसी मित्रों बहनों के कुंडली में लग्न का गुरु सूर्य बुध है तो इनकी मनोबल अच्छे होंगे, आत्मविश्वास होगा, उच्च विचार होगा, अच्छे सोचने की क्षमता होगी, बुद्धिजीवी होंगे, विवेकशील होंगे, स्वस्थ और बलिष्ठ होंगे। सूर्य बुध गुरु अगर आपका दूसरे भाव धन भाव में है, ऐसे व्यक्ति व्यापारिक विचार के नहीं होते हैं, ये धन जरूर कमाते हैं मगर सामाजिक उत्थान के लिए कमाते हैं, इनको अपने जीवन में सामाजिक प्रतिष्ठा प्रथम है, धन बाद में है, समाज में अपने कर्मों के द्वारा अपना पहचान बनाते हैं, इनकी हम सदैव इच्छा रहती है कि भले ही मेरे पास धन न हो मगर मेरी पहचान बनी रहे। तीसरे भाव का गुरु सूर्य बुध, तीसरा भाव आप लोगों को मालूम होगा, ये पारिवारिक घर है। पारिवारिक घर में पत्नी नहीं, माता पिता, भाई बहन, बंधु। तीसरे भाव का गुरु सूर्य बुध भाव बनाता है, उदार बनाता है। ऐसे व्यक्ति अपने परिवार अपने ही नहीं कमाते हैं, अपनी कमाई से अपने परिवार की उन्नति करते हैं, अपने परिवार को आगे ले जाते हैं, अपने से छोटे भाई बहन के भविष्य का निर्माण करते हैं और परिवार में किसी प्रकार का विवाद होने नहीं देते। चौथा हाउस का गुरु सूर्य बुध, ये चौथा हाउस दोस्तों सुख घर है। इसमें आपके चरित्र का निर्माण करेगा, उच्च सोच बनाएगा, अच्छे कर्म के द्वारा धन कमवाएगा, अच्छे आपके मित्र होंगे, अच्छी आपकी सोच होगी, चरित्र का निर्माण करेगा, कोई गंदी आदत उसको छुड़ाएगा। पंचम हाउस में जिस भी सज्जन का गुरु सूर्य बुध बैठा हुआ है, इच्छा से ऊपर इनकी शिक्षा होगी, अच्छे नौकरी की प्राप्ति होगी, अच्छे व्यापार की प्राप्ति होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बनेगा, ऐसे लोगों के संतान योग्य हुआ करते हैं, संतान शिक्षा ज्ञान के लिए ये सब कुछ ऐसे व्यक्ति निछावर कर देते हैं। और पंचम हाउस का गुरु सूर्य बुध
भारत विश्व लेवल का विद्वान बनाता है, विद्वता के कारण पहचान बनाता है। छठम हाउस, छठवें घर का गुरु सूर्य दोस्तों, ये शत्रु घर है। जिस व्यक्ति के कुंडली में गुरु सूर्य बुद्ध छठवें हाउस में है, ऐसे लोगों के दुश्मन नहीं होते हैं। और अगर कोई गलती से दुश्मन बन भी जाता है तो अपनी विवेक, अपनी सोच, अपनी विद्वता से ऐसे दुश्मन को पर विजय प्राप्त करते हैं और शांति का जीवन व्यतीत करते हैं। सप्तम हाउस, सप्तम हाउस पत्नी घर माना जाता है। वैसे सप्तम हाउस शनि शुक्र का लोग मानते हैं, लेकिन चूंकि सूर्य बुद्ध गुरु है, ऐसे व्यक्ति सुंदर नारी प्राप्त करते हैं, पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, पारिवारिक जीवन इनका सुखमय रहता है। पत्नी अच्छी हो बुरी हो इस पर ध्यान नहीं देते हैं। ऐसे लोग पत्नी को भी योग बनाते हैं, और पत्नी अगर गलत है तो उसको संस्कारी बनाते हैं। अष्टम हाउस का गुरु सूर्य बुध, गुरु सूर्य बुध अष्टम हाउस मंगल का है, इसके मित्र हैं। मगर भृगु संहिता नारद संहिता में दिया हुआ है कि अगर अष्टम गुरु होता तो दोस्तों थोड़ा सा एक कमी रहेगी कि उदर रोग पेट संबंधी विकार रहेगा, इसकी चिंता मत करेंगे, ऐसा कोई रोग नहीं होगा जिससे कि अल्पायु हो। नौवें हाउस का सूर्य बुध गुरु, दोस्तों ये तीनों मिलकर के सामाजिक कार्य करवाते हैं, उदार बनाते हैं, चैतवान बनाते हैं, धर्म के तत्व रुझान होता है, सामाजिक कार्य करते हैं, मंदिर का निर्माण करते हैं, अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाते हैं। दसम हाउस का गुरु सूर्य बुध गुरु, दोस्तों ये अच्छा नहीं माना जाता है, संघर्ष कराता है, विद्वता रहते हुए भी सफलता के लिए समय बर्बाद कराता है, बनते काम में रुकावट लाता है, लेकिन अंतोगत तो आप सफल अवश्य होंगे। ग्यारहवें हाउस का गुरु सूर्य बुध दोस्तों, ग्यारहवें हाउस का गुरु सूर्य बुध ये लाभेश घर है। मैं पहले ही बता दिया कि ऐसे लोग धन संचय नहीं कर पाते हैं, धन कमाते हैं उतना ही इनको आवश्यक है जितना में गुजारा हो सके। जो भी इनको पैसा मिलेगा वो सामाजिक, पारिवारिक, व्यवहारिक, धर्म, प्रतिष्ठा के प्रति पैसे का खर्च करेंगे। ग्यारहवें हाउस का गुरु सूर्य बुध, बारहवें हाउस का गुरु सूर्य बुध, ये गुरु का अपना घर है, विदेश भ्रमण कराएगा, दूर दूर तक नाम फैलाएगा, कई जगह कई प्रकार का व्यापार कराएगा, नौकरी में है तो अच्छा पद उन्नति कराएगा, सोचे कार्य को पूरा करवाएगा, निर्माण कार्य करवाएगा और आपके जीवन को सफल बनाएगा। इस वीडियो को आप लोग देखिएगा, समझिएगा, ये आप लोगों के भविष्य के लिए बहुत अच्छा योग है। जिसके भी कुंडली में हो वो भाग्यशाली हैं। इसके बाद मैं अंत में कहूँगा कि आप लोग जब भी कोई ग्रहों संबंधी विचार भावना उत्पन्न हो, मेरे मोबाइल पर 9425308111 पर संपर्क करें, मैं आपको पूरा सहयोग करूँगा, बतलाने का कोशिश करूँगा और आप लोग का प्यार हमको मिलता रहे। इसके साथ ही ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। आप लोगों को धन्यवाद, शुभ आशीर्वाद।